दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसको खेलना या फिर खेल देखना पसंद ना हो। और इस खेल की शुरुआत कैसे हुई होगी, कभी आपने ये सोचा है? खेल कब से शुरू हुए और कैसे शुरू हुए, तो आइए ले चलती हूँ मैं आपको उस समय में, आज से करीब कई सौ साल पहले। पुराने समय में लोग बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते थे और राजा महाराजा अपनी सेना में उन शक्तिशाली लोगों को रखते थे। और यही नहीं, वो इन शक्तिशाली लोगों का बढ़ा चढ़ा कर प्रचार भी करते थे। और ऐसा क्यों करते थे? ऐसा वो इसलिए करते थे ताकि आस पड़ोस के राज्यों पर अपना दबदबा कायम कर सके। लेकिन आस पड़ोस के राज्य भी कहाँ कम थे, वे भी बढ़ा चढ़ा कर अपने शक्तिशाली लोगों का प्रचार करते थे। कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, इस बात का फैसला जब तक मुकाबला नहीं हो कैसे बता सकते हैं, है ना, कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? यह पता लगाने के लिए आसपास के कई राज्य मिलकर प्रतियोगिता आयोजित करने लगे। बस यहीं से ही खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई। ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी इसी तरह से हुई थी। मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि ओलंपिक का नाम ओलंपिक क्यों पड़ा। इस खेल का नाम ओलंपिक इसलिए पड़ा क्योंकि यह खेल ओलंपिया पर्वत पर खेला जाता था। ओलंपिक में राज्यों और शहरों के खिलाड़ी भाग लेते थे। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ओलंपिक खेलों के दौरान शहरों और राज्यों के बीच लड़ाई तक रोक दी जाती थी। ओलंपिक खेलों का इतिहास बहुत पुराना है। हालांकि ओलंपिक का पहला आधिकारिक आयोजन 776 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि आखिरी बार इसका आयोजन 394 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद रोम के सम्राट थियोडोसिस ने इसे मूर्ति पूजा वाला उत्सव करार देकर इस पर रोक लगा दिया। अब बाद में 1896 में क्या हुआ, पहली बार ग्रीस की राजधानी एथेंस में इसका आयोजन हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। आज ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर चार साल में किया जाता है। प्राचीन ओलंपिक में बॉक्सिंग, कुश्ती, घुड़सवारी के खेल खेले जाते थे। खेल के विजेता को कविता और मूर्तियों के जरिए प्रशंसित किया जाता था। और हर चार साल के बाद जिस साल ओलंपिक खेल खेला जाता था उस साल को ओलंपियाड बोला जाता था। ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है। जैसा कि आप सबने अभी जाना कि 1896 में दोबारा ओलंपिक स्टार्ट हुआ, यानी कि इसे तो हम कह सकते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। लेकिन क्या आपको मालूम है विंटर ओलंपिक्स और समर ओलंपिक्स के बारे में? अगर नहीं मालूम तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। 1896 के बाद से समर ओलंपिक्स ही हुआ करते थे, लेकिन 1924 से विंटर ओलंपिक्स भी शुरू हो गए। वो क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि कुछ ऐसे गेम्स जो सिर्फ बर्फ पे खेले जा सकते हैं, बर्फीली जगहों पे खेले जा सकते हैं, वो तो समर में नहीं हो सकता। अब विंटर ओलंपिक्स भी स्टार्ट हो गया, लेकिन 1992 में विंटर ओलंपिक्स और समर ओलंपिक्स के लिए अलग अलग ईयर्स को चुना जाने लगा। जैसे कि हर समर ओलंपिक चार साल पे होगा और विंटर ओलंपिक्स भी चार साल पे होंगे, लेकिन समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक में दो दो साल का गैप होने लगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँ तो 2014 में विंटर ओलंपिक्स हुआ, 2016 में समर ओलंपिक्स हुए, 2018 में फिर विंटर ओलंपिक्स हुआ और 2020 में समर ओलंपिक्स हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया, जिसकी वजह सब जानते हैं। समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक की शुरुआत तो 1924 में ही हो गई थी, लेकिन इनके लिए अलग अलग ईयर्स को चुना गया 1992 में, और 1992 से ही ऐसे ईयर्स को रखे गए हैं।
हर दो दो साल के गैप्स पे समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक होंगे। ओलंपिक खेलों का चिन्ह आपस में जुड़े पांच छल्ले हैं, जो आपको ये रिंग की तरह दिख रहे हैं, जो कि पांच प्रमुख महाद्वीपों एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ओसिनिया, यूरोप और अफ्रीका को दर्शाते हैं। इन छल्लों को पियरे दी कुबर्तिन ने डिजाइन किया था, जिन्हें आधुनिक ओलंपिक गेम्स का सह संस्थापक माना जाता है। इस खेल में 200 से भी ज्यादा देश भाग लेते हैं। भारत का पहला गोल्ड मेडल उस समय आया जब वर्ष 1928 में यानी 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने हॉलैंड को 3-0 से हराया। उसके बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 5 बार ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। आई होप सो आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि खेल की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई। इस वीडियो को देखने के बाद आपको गेम्स के बारे में, गेम्स से जुड़ी कई सारी अच्छी अच्छी जानकारियां मिली होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज स्टे हैप्पी।